नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिहार की जो ITI कॉलेजेज हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी बच्चे सरकारी ITI से पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो भी कॉलेज है ना, उसमें एक अनुदेशक भी होते हैं, ट्रेड वाइज होते हैं, जो कि बच्चे को पढ़ाते हैं, और सरकारी ITI जो बच्चे करते हैं उनको जो है सभी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में जो है बिहार की जो सरकारी ITI है, उसमें भर्ती को लेकर जो है बहुत पहले से अपडेट आती जाती रहती है, जैसे कि मैं कई बार जो है पेपर के माध्यम से बताया हुआ हूँ, लेकिन अभी जो है फाइनली यहाँ पर इसका जो विज्ञापन की सूचना है उसको जारी कर दी गई है। तो बिहार में जो सरकारी ITI है उसमें अनुदेशक की भर्ती होने जा रही है, तो इसमें कब से कब तक जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, क्योंकि इसका जो फॉर्म फिल होगा पूरी तरह से ऑनलाइन फिल होगा। साथ ही साथ जो है इसमें कौन से ट्रेड में कितनी भर्ती है, क्योंकि ट्रेड वाइज जो यहाँ पे भर्ती ली जाएगी, और इसके बारे में जो भी जानकारी निकल के आई हुई है, जैसे कि जो भी नोटिस जारी किया गया है उसमें जो भी जानकारी निकल के आई हुई है उसके बेसिस पे आपको हम जानकारी देंगे, और किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म आप फिल कर पाएंगे उसकी रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास जो है एक विज्ञापन की सूचना है, इसको कहाँ से डाउनलोड करना है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानकारी को समझ लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि बिहार में जो है बहुत ही जल्द बिहार का जो सरकारी ITI है उसमें अनुदेशक की जो है भर्ती ली जाएगी। तो यहाँ पर ये जो भर्ती है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा ली जाएगी, यानी कि इसका जो आयोग है BTSC ही रहेगा, ठीक है। तो उसके द्वारा जो है विज्ञापन की जो सूचना है उसको जारी कर दिया गया है। इसमें अलग अलग जो प्रशिक्षण संस्थान होता है उसमें जो है जो व्यवसाय अनुदेशक होते हैं उनके रिक्त पदों पे भर्ती के लिए जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, और इसमें जो है पूरी तरह से आप जो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि 23/5/2023 से लेकर 22/6/2023 के बीच में फिल किए जाएंगे। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मतलब कि जो है विज्ञापन की सूचना है, लेकिन इसका जो विस्तृत विज्ञापन है वो जो है 18/5/2023 से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखी जा सकती है। बोला गया है कि इसमें जो है 30 अलग अलग प्रकार के जो है ट्रेड है जिसके रिगार्डिंग जो है आप अनुदेशक के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पद के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से पोस्ट है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो है 30 प्रकार का पोस्ट है, सबका विज्ञापन संख्या जो है अलग अलग रखा गया है, और यहाँ पे जो भी ट्रेड हैं आप देखेंगे कौन से ट्रेड में जो है अनुदेशक की कितनी भर्ती है वो भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। जैसे कि आप फिटर का देखेंगे तो 105 पोस्ट रखा गया है, ठीक है। टर्नर का देखेंगे तो 8 पोस्ट रखा गया है। इस तरह से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसियन का आप देखेंगे तो 153 पोस्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का देखेंगे तो 130 पोस्ट है। तो इस तरह से जो है टोटल जो है 910 पदों पे जो है भर्ती ली जाएगी, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी नहीं दी गई है कि कौन लोग जो है फॉर्म को फिल कर पाएंगे या फिर किनको मौका मिलेगा, लेकिन इतना समझिए कि आप डिप्लोमा डिग्री या फिर ITI वगैरह वगैरह किए हुए हैं और कुछ आपके पास और भी एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। लेकिन अभी हम इसलिए जानकारी आपको नहीं देंगे क्योंकि अभी जो है इसका जो विस्तृत विज्ञापन है वो जारी नहीं किया गया है, 18/5 को जारी किया जाएगा, ठीक है। तो उस समय जब इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा उसके बेसिस पे आपको हम क्लियर बताएंगे कि इसमें जो है कौन लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर अपने हिसाब से जानकारी देना कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि कौन कौन से ट्रेड हैं, कितने पोस्ट हैं, ठीक है, जानकारी यहाँ पे निकल के आ गई है, और कब से कब तक फॉर्म फिल किए जाएंगे इसके बारे में भी जानकारी यहाँ पे दे ही दी गई है। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 18/5/2023 को आता है, तो एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि इसमें किस तरह से जो है आपका सलेक्शन होगा। हालांकि सलेक्शन के रिगार्डिंग हम बात करें तो इसमें मेरिट बेस्ड ही होगा क्योंकि BTSC जो है मेरिट बेस्ड ही करवाता है। एज लिमिट के रिगार्डिंग, साथ ही साथ एप्लीकेशन फ़ी, क्या योग्यताएँ रहेंगे, वो सभी जानकारी जो है जो इसका विस्तृत विज्ञापन आएगा उसमें जो है जानकारी दे ही दी जाएगी। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, 18/5 को आ रहा है, उसके बाद आप देख लीजिएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, और हैं तो फॉर्म को फिल जरूर करिएगा, बहुत ही अच्छा ये भर्ती होने वाला है। अब इसको डाउनलोड करना है, इस विज्ञापन की सूचना को, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में बस आपको सर्च करना है easytonet.com, ठीक है। यहाँ पर easytonet.com सर्च कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपको सर्च करना है BTSC, ठीक है, इतना ही सर्च करना है। सर्च करेंगे तो आपके सामने दो नंबर पे देखेंगे BTSC ITI इंस्ट्रक्टर वैकेंसी 2023, ठीक है। इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो इसमें जो है ऑलमोस्ट हमने सारा जानकारी बता दिया है, जो भी जानकारी
विज्ञापन की सूचना में आई हुई है, ठीक है। और नीचे आएंगे तो इसका जो नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के सामने क्लिक करके आप जो नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और इसको फ़िलहाल पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन जो है 23/5 से शुरू किए जाएंगे, तो यहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा जहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन आता है उसका भी लिंक यहाँ पे दे देंगे और एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी जरूर देंगे कि यहाँ पे इन पदों के लिए किस तरह से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि बिहार जो ITI यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का जो पोस्ट है, जैसे कि अनुदेशक का जो पोस्ट है, अभी उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई है। इसका जो नोटिफिकेशन आ रहा है 18/5/2023 को, उसमें जो है जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही साथ अप्लीकेशन फ़ी, एज लिमिट, सभी चीज़ जो है उसमें मेंशन रहेगा, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आखिर जो है कौन लोग इसमें फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वेट करिए, 18/5/2023 को एक वीडियो आएगा जिसमें डिटेल्स जानकारी दी जाएगी, उसके भी यहाँ पे आपको जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही साथ इसका जो फॉर्म है 23/5/2023 से फिल होंगे, तो उस समय भी एक वीडियो आएगा जिसमें आपको जानकारी मिल जाएगी किस तरह से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।